यस गुड मॉर्निंग बच्चे, साहित्य माला बुक ठीक है पार्ट है वड्डे वडेरे साडा लिटरेचर दा लास्ट चैप्टर राइट। लेखक है ज्ञानी गुरदित सिंह ठीक है। सो पहला आपा लेखक बारे पढ़ लेने हैं, तुसी फेयर ते ही डायरेक्टली लिख लो। ज्ञानी गुरदित सिंह दा जन्म पिंड मिठेवाल रियासत मलेरकोटला विच 1928 ईस्वी नू सरदार हीरा सिंह दे घर होया ठीक है। जन्म लिख लो कदों ते किथे, इस टाइम आवे तुसी लिख सकते हो। उन्नीस सौ अठाई ईस्वी नू डेट नहीं दिती हुई, ईयर दिता हुआ है ठीक है। 1928 28 ईस्वी नू किथे होया, पिंड मिठेवाल। रियासत मलेरकोटला नाइनटीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नहीं, ऊपर ब्रैकेट में 1923 लिखे हुआ है ना एक्चुअली। हाँ? ओके मैं कंफर्म कर दूंगी ये वाला ठीक है। यार देन लिखो पिता का नाम, सरदार हीरा सिंह। विंडो ओपन करो अमृत। ठीक है, पिता का नाम सरदार हीरा सिंह। देन विद्या, नेक्स्ट पॉइंट। विद्या 1945 विच आपने ज्ञानी पास की थी। पहला पहला ना 10th तो 12वीं च होंगी सी, जिस तरह प्लस वन प्लस टू नहीं सी होंगी ठीक है। सो 1945 विच ज्ञानी पास की थी, क्योंकि क्लास का नाम है राइट। देन 1948 विच जीवन संदेश मासिक पत्र ते 1950 विच प्रकाश नां दा दैनिक पर्चा शुरू किया। इन्हां दी रचनावां नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो तुसी, रचना 1948 विच जीवन संदेश। मासिक पत्र, मासिक ही होता है। जीवन संदेश मासिक पत्र है जो वंस इन अ मंथ आंदा है, ते 1950 विच प्रकाश नां दा दैनिक पर्चा। दैनिक मतलब डेली ठीक है। 1950 विच दैनिक पर्चा जिहदा नाम है प्रकाश। ठीक है, इथों तक लिख लो। राइटर बारे तो तुसी लर्न करना ही करना ना ठीक है। हाँ तुहानू मैं स्टार्टिंग विच एक सिलेबस दी पिक सेंड कीती हुई सी, मैं लिखवाया भी होया तुहानू स्टार्टिंग विच। नहीं ओ नहीं है, उस तरह नहीं है जिस तरह तुसी कह रहे हो कि केड़े, ओ तो दिता होया ना कहानी विचो दी इन्नी आ सकदे, एकांगी विचो दी, तुहानू सिर्फ 4 मार्क्स आना और थोड़ा पेपर भी उसी तरीके दे नाल ही सेट होएगा।
ठीक है, ए नहीं है कि जे तुहानू उत्थे चार नंबर है ते असीं दो नंबर पा दिए, नहीं, फोर मार्क्स है तो फोर मार्क्स है। सो तुसीं उस अकॉर्डिंगली ही अपनी तैयारी शुरू करो, तुहानू मैं करवा भी उसे तरीके नाल ही रही हूँ। ओके, दो पॉइंट हो गए, इकांगी फोर मार्क्स ही है ना वो। ओदे विच आएगा कि तुहानू करैक्टर स्केच आएगा, पॉइंट्स तुहानू पता होने चाहिए, एलैबोरेटरी सी कर सकते हो, हैडिंग्स हैडिंग्स हाँ, ते एक आ सकता है सिरलेख टुकमा है या नहीं, वो आपां डिस्कस किया होया है कि सारा जिहड़ी कहानी है वह घूमती ओदे दुआले है, दूजा विआह दे दुआले, पहला वो डरावा दिंदी रहिंदी है, फिर वो खुद इस दुख नूं झेल चुकी है। हाँ जी ठीक है, दैन तुसीं समस्या या उद्देश लिख सकते हो, भी मैं थोनू तीन चार पॉइंट लिखवाए सी, निजी पत्र, दफ्तरी पत्र, दफ्तरी विच जड़ियां मर्जी, सरकारी गैर सरकारी, ऐसे भी कोई भी आ सकता थोनू। ग्रामर बहुत ज्यादा है, ग्रामर कर लियो। ओके नेक्स्ट है, ज्ञानी गुरदेव सिंह गुरमत साहिब की खोज से लिपि आदि दे कई कठिन मसलियां नूं सुलझाउण वाले लेखक सन, मतलब कि इन्होंने गुरमत साहिब की खोज की, ओदे विच जिन्ने भी टफ विषय हुंदे सन उन्हां नूं सारे नूं इह सॉल्व करके ईजी लैंग्वेज विच अपनी रचना विच लिखदे सन। ठीक है, प्राचीन वारा अगे इन्हां दे लिखो रचनावां होर ऐड ने, इन्हां दे लेख संग्रह रचनावां दे अंडर ही लेख संग्रह लेख संग्रह रचनावां दे अंडर एसेज दी मतलब कंबाइन एसेज दी बुक, नाम लिख लो प्राचीन वारा राग माला दी असलियत जीवन दा उसरैया पट्टां दे सवैये आदि आपदे लेख संग्रह हैं। गंभीर शैली विच लिखण वाले इन्हां दी लिखण शैली किस तरह दी, मतलब इन्हां दा स्टाइल किस तरह दा है लिखण दा, लिखण शैली गंभीर, बहुत ज्यादा यह जदों भी लिखदे ने रचनावां ते डीप थॉट्स हुंदे ने इन्हां दे, ठीक है, गंभीर आपां उन्हां नूं कहिंदे आ, गंभीर इन्हां दी रचन शैली है। वाले इस गद्य लेखक दी मेरा पिंड पंजाबी पुस्तक गद्य साहित्य विच क्लास की महत्व ग्रहण कर चुकी है। एक इन्हां दा लिखण शैली दे विच नाम नोट कर लो, मेरा पिंड पुस्तक दा नाम है, अगे लिख लो पुस्तक मेरा पिंड, ठीक है, अगे ब्रैकेट विच लिख लो गद्य साहित्य विच क्लास की महत्व ग्रहण करन वाली, मेरा पिंड लिख के ना पुस्तक है इन्हां दी, ब्रैकेट विच लिख लो पंजाबी गद्य साहित्य विच, वार्तक साहित्य विच मतलब पंजाबी गद्य साहित्य विच क्लास की महत्व
वाली, ठीक है, इन्हों ब्रैकेट च लिख लो। मतलब इन्हों की एक तो यह रचना है, एक पुस्तक है इन्हों की, एक गंभीर शैली दे विच आती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गंभीर शैली दे विच इन्हों की कौनसी पुस्तक है, सो मेरा पिंड गद हुंदा है वार्तक, ठीक है, कविता तो अलग जिहदे विच जीवनी स्वै जीवनी कहानी कांगी सब कुछ आ जाता है। क्लास की मतलब क्लासिक, ठीक है। इस पुस्तक विच मालवे दे एक पिंड नू केंद्र बिंदु बना के पंजाब दे सभ्याचार बारे विशाल चित्र पेश किया गया। लिखण दी लोड़ नहीं है कि बस तुसीं इन्ना करना है, क्योंकि मेरा पिंड है, पिंड मतलब पंजाबी सभ्याचार, सो पंजाबी सभ्याचार नू इहदे विच पेश किया गया है। पिंड दे लोकां दी इस बुक का उन्होंने विषय वस्तु दस्या है, पिंड दे लोकां दीआं मन मनौतां वहमां परमां मेलियां त्योहारां ते सभ्याचार दे अलोप हो रहे पक्खां नूं सोहणी तरह पेश किया गया है। इसे ही बुक का विषय वस्तु है। क्लीयर है, पंजाबी सभ्याचार नूं मेलियां नूं रोह रितां नूं पेश किया गया है। दैन लिखण कला सेम यही जिथे गंभीर सी सीधी साधी है, बहुत मतलब डीप थॉट्स लिखते ने यह, पर है किस तरह की इन्हों की लिखण शैली सिंपल है। पहला आप पढ़िया से ना कि कठिन मसलों नूं भी यह ईजी वे च लैंदे ने, सीधी साधी है इन्हों की लिखण शैली, लोक बोलचाल उत्ते आधारित। फिर पॉइंट लिख लो लिखण शैली, अगेन नैक्सट पॉइंट लिखण शैली, लिखण शैली विच लिखो भाषा सरल, नैक्सट पॉइंट बना लो ना बेटा, लिखण शैली हाइफन भाषा सरल गंभीरता, कॉम्प्लीकेटेड नहीं, गंभीर मतलब बहुत ज्यादा थॉट, डीप थॉट। दैन लोक बोलचाल उत्ते आधारित, मतलब इन्हों की भाषा विच हमेशा लोगों की आम बोलचाल नू पेश किया गया है, लोक बोलचाल उत्ते आधारित। मुहावरेदार, मतलब इन्होंने अपनी रचना विच बहुत सारे मुहावरे वरते हुए हैं, मुहावरेदार बोलचाल ते आधारित, मुहावरेदार ते लोक अखाणा वाली। मतलब उन्हां दा लिखण दा स्टाइल किद्दां दा है, अखाणा नाल भरपूर। अपनी रचना विच ओह केड़ियां केड़ियां चीजां वरतदे है, ए पता की है, जरूरी नहीं है, इन्हां नूं ना कंबाइन करके पूछा जा सकता है। पता थोड़ी है, बोर्ड की क्लास है, तुहानूं प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है, हर एक चीज तुहानूं लिखवाई जा रही है, ते फिर बेटा देखो आपां पढ़ना ते है ही है। हम तुम कॉम्पीटेटिव एग्जाम ली जाते हो, तुम ओर कि ज्यादा तैयारी करते हो, पर कई बार ईजी आ जाता थोड़ा लक है। ह्यूमैनिटीज होंगी ना, आर्ट्स होंगी है। ओके नैक्सट लिखो, इन्हों का देहांत 17 जनवरी 2007, नेक्स्ट पॉइंट बना लो देहांत 17 जनवरी 2007। हाँ जी 17 जनवरी 2007, ठीक है। राइट, हुण चैप्टर शुरू करिए। चैप्टर दे विच वड्डे वडेरे तो मतलब की है, एल्डर्स और मां बाप, पेरेंट्स और, हाँ, इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली वड्डे वडेरे का मतलब है जेडे साडे पिछलियां पीढ़ियां तो चले आ रहे वड्डे वडेरे, उन्हां दे सुभाव बारे दस्सिया होया कि उन्हां दा सुभाव किद्दां दा सी, उन्हां दी खुराक किद्दां दी सी, क्योंकि पहले वाले जेडे बजुर्ग सी ना उन्हां दीआं खुराकां बहुत वधिया सी। अजकल साड़ी खुराक इन्नी वधिया है नहीं, आपां ते फास्ट फूड्स वगैरह जंक फूड वगैरह खा खा के आपां नूं लगदा है कि असीं अपना टेस्ट वधिया कर रहे हैं, पर वो टेस्ट जिहड़ा है वो हौली हौली साड़ी जाके बॉडी नूं विगाड़ रहा है, ठीक है। सो उन्हां दा दस्सिया है कि फिजिकली वो किन्ने स्ट्रोंग सी,
पहलवानी करते सन, खाना पीना बहुत वधिया सी, तंदुरुस्त सन। ठीक है, सो इस चैप्टर विच यही दस्या और चैप्टर ध्यान नाल सुनना है, इहदे विचों ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुसी सिर्फ अपनी रफ कॉपी ते या फेयर कॉपी ते नोट करी जायो। ठीक है, लिख सकते हो तुसी आंसर, तुसी तां लिखदे हो ना, कोई गल नहीं। या इदा करो ना, बुक दे विच ही जिहड़े जिहड़े पैरे दे विचों दी क्वेश्चन निकली जाएगा उत्थे उत्थे लिखी जाए, ताकि तुहानूं उत्थे ही आंसर मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट पैरा, मेरे दादे पड़दादे वड्डे वडेरे मेरे दादे पड़दादे वड्डे वडेरे किसी राजे नवाब दे नौकर रईस या बख्तावर नहीं सन। बख्तावर मीन्स बख्तावर वजीर, मतलब वो कहता है कि हुण वो अपने वड्डे वडेरियां दी अपनी पुरानियां पीढ़ियां दी गल कर रहा है कि वह ना तो रईस अमीर सन ना ही बख्तावर सन। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिच या वजीर वगैरह नहीं सन, ना ही वह अध्यात्मक खेत्र विच कोई दर्जा रखते सी, मतलब उन्होंने कोई धर्म के खेत्र विच भी कोई उन्होंने खास रुतबा नहीं सी, दर्जा नहीं सी, मतलब वो आम इंसान सन। ठीक है, ते विद्वान होना तो उन्होंने एकदम ही अजनबी होया, मतलब की एदा ते विद्वान होना भी उन्होंने एकदम ही अजनबी होया। अजीब विद्वान सी ओहो, ठीक है, पर वो अमीर नहीं सन ते ना ही किसी अध्यात्मक खेत्र विच उच्चा दर्जा उच्ची पदवी रखते सन, वह केवल अपने जमाने के मनुख सन, आम इंसान सन। मेरे वड्डे वडेरे जे किसी राजे नवाब दे मुलाजम हुंदे तां असी भी किसी दफ्तर दे क्लर्क होके नब्बियां दे लेखे विच पाए होना सी। नब्बियां दे लेखे मतलब क्लैरिकल काम, ठीक है, पैसे धेले, हाँ पैसे धेले दे विच आपां भी लगे होना सी, क्योंकि क्लर्क मोस्टली अकाउंट्स वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने बैकग्राउंड इदा दी है कि उन्होंने बैकग्राउंड आम लोग सी, जिहड़ी अगों दी उन्होंने जनरेशन बनी वह भी आम लोगों की बनी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बन सकता है लेखक दे वड्डे वडेरे किहो जिहे सन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइट डाउन, लेखक दे वड्डे वडेरे किहो जिहे सन, किहो जिहे सन राघव, लेखक दे वड्डे वडेरे किहो जिहे सन, सुनिया तो है तुसी, या किते फौजी अफसरी शांत दे हुंदे, जे ओहो विस्वेदार ते जागीरदार हुंदे तां असी ज्ञानी होण दी थां शिकारी हुंदे। जे मतलब उन्हां कोल जमीना हुंदियां, जमीन जायदाद दे ओहो मालक हुंदे, तां फिर असी की होणा सी, असी ज्ञानी होण दी थां, ज्ञानी कौन है, गुरदित्त सिंह, लेखक अपने बारे दस रहा है, मतलब उन्होंने इन्ना पढ़िया लिखा नहीं सी होना, क्योंकि इन्होंने केड़ी विद्या हासिल की सी, ज्ञानी। ठीक है, जो कहते कि जो साढ़े वड्डे वडेरे जागीरदार होंगे, मोस्टली की होंगे कि जिन्हों को ज्यादा उन्होंने बिजनेस चल रहा होंगे उन्होंने बच्चे मोस्टली बिजनेसमैन ही बनते हैं मोस्टली। ठीक है, पर वह पिछले टाइम की गल कर रहे हैं, अजकल तो पढ़ लिख जाते हैं सारे, तो वह की करते अपने दादे पड़दादे का या अपने पिता का ही जोड़ा काम से वह चलाते, पिता पुरखी किया जिन्होंने आप कह रहे हैं, पर यह कहें कि ना वह अमीर सन ना उन्होंने को इन्नी जमीन जायदाद सी, तो सानू पढ़ना ही पिया, कुत्तियां ते बंदूकों के दलों दल पंजनी शस्त्र ते समयान लैके रोइयां कछदे फिरदे, जे वह ज्ञानी ना करते तो फिर वह शिकारी होंगे। ठीक है, वह शस्त्र विद्या वगैरह वाल उन्हों का ध्यान होंगे, जे वह अध्यात्मिक भावों वाले पूजनिक होंगे तो असी किसी डेरे की महंती संभाली होंगी, जे वह किसी धार्मिक कोई रिलीजियस के कोई खास रुतबा रखते होंगे तो फिर उन्होंने की करना सी, महंत बन जाते, महंत मतलब सेंट पंडित, जिन्हां दे महंता का काम अजकल कथा कीर्तन की थां सवेरे अपने हालियां पालियां तंदे लगाना ट्यूबवैलां ते ट्रैक्टर चलाना रह गया है। साढ़े वड्डे वडेरे जो भी सन ठीक ही सन, अपने वड्डे वडेरियां का वर्णन मैं
ਫਿਦਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬੂਦ ਦਾ ਰੋਬ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਉਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਐਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀਸ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ, ਨਮੂਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਬਸੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਈਆਂ ਕੂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਪਾਈਆਂ ਕੂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਵੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਰੇ ਕਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਜੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਕਹਿਰਾ ਕਰੰਗਾ ਮਤਲਬ ਇਕਹਿਰਾ ਕਰੰਗਾ ਕਰੰਗ ਕਰੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨੀਵਨ? ਇਕਹਿਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਗਲ ਕਰੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ, ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਜੁੱਸਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਜੁੱਸਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੇਖਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਭਲਵਾਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਂਗੜੀ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਭਲਵਾਨ। ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਕੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਨਾਮ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਕਵਾਇਆ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਕਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਪਈ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਹੱਥੜੀ ਪਏ ਪਿੱਟਣ। ਦੁਹੱਥੜੀ ਪਏ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਓਆਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਠ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਦਿਓ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਓ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਹਾਈਟਡ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।